कितना वो लगेगा ये वाला कलर भी चाहिए तो भाई रहने दे यार आप देख रहे हैं एक्टिविटी होगा लाजमी देख लें आपकी वजह से तो हम अंदर आ रहे हैं वो लगेगा ये वाला कलर भी चाहिए तो भाई रहने दे यार सोचने हुगो बॉस पे एक सौ तीस चालीस ज्यादा से कम की टी शर्ट नहीं होती भाई टमाटर तो नीचे ही मिलेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल एक्टिविटी है सुबह से शाम तक ज़िंदगी में जो कुछ होता है ये मुझे शेयर करना अच्छा लगता है इसका जिक्र करना बात करना स्टोरी बनाना वीडियो बनाना इस पर मुझे अच्छा लगता है अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो बहरा मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा इसके अलावा ऑल नोटिफिकेशन के साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ की इत्तला आपको बरवक्त मिलती रहे अगर आपको मेरी कोशिश नहीं भी पसंद आती है मगर अब YouTube के एल्गोरिथम की वजह से हमारे रास्ते टकरा गए हैं तो बरवाए मेहरबानी जाते जाते कमेंट कर दीजिए
आपके इस कमेंट से किसी का भला हो जाएगा, सीखने का मौका मिलेगा और इंशाल्लाह मैं बेटर करने की कोशिश करूँगा। Small regular. नहीं आसा हो जाएगा ना फिर रखना नहीं कोई कोई इतनी सी कोई जरूरत नहीं मुझे तो नहीं जरूरत खाना आराम से खाऊंगा ना आराम से खाएंगे आज वो इटोबी कॉक में सोमाली रेस्टोरेंट चलेंगे तो जो इंग्लैंड से मुझे बंद इंग्लैंड से बंदे ने बोला था ना आज चलते हैं डिफरेंट लोकेशन है या वही वाली है नहीं ये अलग है वो अलग है वो अलग है उसने बोला वो अच्छा है वो इंग्लैंड से जो बंदा बोल रहा था खाना मुझे पसंद है अच्छा था डिसेंट था यानी हैवी भी नहीं लगा और मज़ेदार खाना लजीज था तो भाई यहाँ के जो है ना कोल्टा मामा होटल पे आ गए हैं वैसे इसका नाम मैंने कहीं रखा है ना कनाडा का कोल्टा मामा होटल हम बोलते थे ना पाकिस्तान में कोल्टा वाले की चाय पीनी है यकीन कर लिटरली लेकिन जो भी जैसे वो बुला रहा जो भी जैसा भी टेस्ट है वही है रेगुलर कभी भाई टॉमी फिगर के स्टोर में ये जैकेट एक मैंने ली एक मेरे दोस्त ने ली है यहाँ का ना स्मॉल साइज होता है मीडियम वाले को आ जाता है और मीडियम साइज लार्ज वाले को आ जाता है पाकिस्तान में होता ना तो मुझे मीडियम लेना पड़ता दोस्त को लार्ज देना पड़ता आ गया 100% ओके नहीं ये सेट है बहुत अच्छी लग रही है ट्राई के देख लो कैसा लगा अभी जिम को बीट करके आ रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना चाहिए यार यहाँ पे इनका मैनेजर है बड़ा अच्छा है खुद बता रहा है कि ये वाली लो इसकी फिटिंग यूँ है ये कलर अच्छे आए हुए हैं या कोई डील भी है तो बता रहा है तो फिर भी मौज आने का फ़ायदा ही हो गया अच्छा बन रहा ये फिटिंग रूम है ट्राई रूम है यहाँ ट्राई कर रहा है दोस्त अभी मीडियम शर्ट उसको मिली थी वो वाली जो कॉलर वाली होती है ना इसको क्या कहते हैं बोलो तो बोला लास्ट ट्राई कर लूँ देखते हैं तो एक बार फिर शाम दे फिर भी मॉल टोरंटो से तारीख हो गई है 29 अक्टूबर और 3 सफ़र आज टाइम है 4:30 बजे शाम के सनराइज़ हुई 7:50 पे और 6:12 पे सनसेट है 15 डिग्री टेम्परेचर इसमें अंदर तो काफ़ी हीटिंग है तो मस्तानी इसलिए जैकेट आप देखो मैंने ऐसे लगाई है असल में अपर भी पहन लिया था ना तो ज़्यादा गर्मी लग रही थी और आज हवा नहीं है तो ज़्यादा ठंड नहीं है तो वॉल पे वो देख रहे हो पैंट का कलर देख रहे हो टी शर्ट इसने ली है ये मैं थोड़ी क्लिपिंग वगैरह लगाऊंगा मुझे वीडियो अलग भी बनानी है कनाडा में गाड़ी का कलर है इतना गंदा है महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती बजट एक्सपेंसिव कार में एक ही कलर आया पता नहीं किसने कलर निकाला कलर के अंदर इतनी शाइन भी नहीं ऐसा लग रहा पता नहीं किसी पेंटर से ना रोड के किनारे पेंट करवाया था तो वही मन जो ना पैंट और टी शर्ट भी उस कलर में आई है मैं थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग लगाऊंगा आप देखना खुद अंदाज़ लगाना को अच्छा लग रहा है यूट्यूब वगैरह पे इश्तहार आते हैं सोशल मीडिया पे तो भी गाड़ी का वही कलर आ रहा है क्या BMW हो क्या टोयोटा हो या क्या होंडा हो या मैं
मशीन मैन का है भाई। ना घुमा फिरा के बनाया, उफ। तो भाई अब 5 बजे से कुछ ऊपर टाइम हो गया। अभी गर्मी लग रही थी, अब यहाँ ठंडक लगने लगी। वॉशरूम हो गया है, ये स्पा वगैरह खुल रहा है। स्पा सेलॉन, श्रीलंकन स्पा तो नहीं, लुक देखो आप। ये भी कुछ खुलने वाला है कमिंग सून, TNT सुपर मार्केट। आप देख रहे हो शाम हो रही है, हफ्ते की शाम हो, थोड़ा बढ़ता जा रहा है रश। सूरज बहुत तेज़ी से वापस आता जा रहा है। सनसेट कहाँ 9:05 होती थी, और ऑलरेडी 6:15 के भी अंदर आ चुकी है, और आहिस्ता आहिस्ता 4:45 तक चल रही है। भाई ये कलर है खातून घड़ी है ना, ये रेड चकोर सी लाइटें हैं, LED जल रही है, और प्लेन ऐसे ब्लैक ग्लासेस हैं। ये कलर आप देख रहे हो। तो अब भाई हम फेयर व्यू मॉल छोड़ के, क्योंकि इसको चाहिए जो होता है स्नीकर या जॉगर बगैर लेसेस वाला, शूज चाहिए शूज, लेकिन लेसेस के बगैर वाला है, या जो लेसेस के बगैर वाला, तो लेसेस के बगैर या फिर लेसेस में वो जो ऑप्शन नहीं होता जो बाद में कैनवास वाला नहीं चाहिए, बगैर टाई के, लेकिन स्नीकर चाहिए। अब स्नीकर क्या होता है, यहाँ आके ऐसी ऐसी चीजें सीखने में मिल गई, पता नहीं। स्नीकर नहीं कहलाते, वो है रनिंग शूज टाइप के होते हैं या ट्रेनिंग शूज ही है, लेकिन वो लेसेस वाले नहीं होते, वो ऐसे स्लिप ऑन कहलाते हैं। तो अभी अब वॉन मिल मॉल, ये जो है पहले एक दफ़ा मैंने वीडियो लगाई है, ये आउटलेट मॉल है, जैसे पाकिस्तान में होता है ना लिवेस का रेगुलर स्टोर, और सदर में गुलशन इकबाल में आउटलेट खड़ा होता है। जबकि मैंने आउटलेट में सुना है एक नॉच हल्की क्वालिटी होती है, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। अंधेरी लगी हुई, आपको सस्ती चीज़ दे देंगे, कितना प्यारा गाड़ी का कलर, गाड़ी का कलर आप चेक करो मेरे, और साथ ही खूबसूरत गाड़ी भी चेक करो, और कन्वर्टेबल है देख रहे। तो वो एक नौ छलकी होती है, सेल तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरह हर जगह ही लगी होती है, यहाँ पूरे साल लगी रहती है, 30%, 70%, 40%। और ये बहुत हमने नोट किया क्योंकि ब्रांड ज़्यादा है, तो ब्रांड को आप नोट करते रहते हो, देखते रहते हो कि क्वालिटी की चीज़ आई हो, कि अभी 100 की लगाई है और 30% ऑफ, ठीक है, तो 70 डॉलर की, फिर बाद में 140 की कर देंगे और बोलेंगे 50% ऑफ, तो भी 70 डॉलर की हो गई। ये बड़े गेम होते हैं यहाँ पर। तो ऐसा है कि अल्लाह के हुक्म से करम से भाई ने कनाडा के पासपोर्ट पे सऊदी अरब का वीज़ा लिया है, जिसमें आपको जो है अपने कफील वगैरह पर, जो भी कफील तो वैसे जॉब के लिए कॉन्सेप्ट होता है, या हज उम्रे के लिए, हज के लिए हम उनके पास पासपोर्ट रखाते हैं, वो नहीं रखाना पड़ता, इसको उस वाले पे अप्लाई किया। एक साल की वैलिडिटी का वीज़ा है, जिसमें 3 महीने आप कंटिन्यूस रह सकते हो, उमरा भी कर सकते हो, उमरा का अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अब उमरा के एजेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, सऊदी वेबसाइट पर जाओ और आप जाके उमरे का वीज़ा ले लो, पेड भी अगर आपने वैसे भी लेना है। वैसे वीज़े उमरा का वीज़ा तो फ्री होता है। तो अब इसको वो जूते लेने पाकिस्तान जाने के लिए, वैसे तो मैंने इसको बोला है भाई तुमने जूते यही पहन के चला गया, अब उसके चक्कर में कब से ढूंढ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं लेने, अच्छी प्राइस हो, अच्छी क्वालिटी हो, सिर्फ पाकिस्तान में पहनना, और लाइट कलर नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे डस्ट मिट्टी वगैरह होती है, हम रहते भी मलीर के साथ है ना बिल्कुल जितने गंदे होने का बड़ा ख़तरा होता है। चले मॉल के अंदर चलते हैं, हमारे लिए VIP गेट खुल गया है। मैंने रेड कलर के लिए टॉमी हिलफिगर, इसने नेवी कलर के लिए, उसमें वाइट है बीच में, और मेरे वाले में बीच में ब्लू पट्टा। ये भी अच्छा है, बड़ा यूनिक लो, लेकिन इस पर कभी भी सेल नहीं लगी होती, और पता नहीं कितनी प्राइसिंग क्यों होता है, कीमत क्यों होती। ये भी फेस्टिव सीजन की वजह से लगा है, अभी से शुरू कर दिया, वैसे ही ऊपर ऐसा है ना शुरू, ना दो दो महीने पहले से हॉलीडे सीजन शुरू होना शुरू हो जाए। देखना वही तो कमाई है, लोगों के जहनों में डाल दो किसी में सारी है। हाँ, दो महीने पहले शुरू कर देंगे शॉपिंग शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक फ्राइडे की सेल आती है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ना
पिछले दो हफ्ते से मेरे पास एड आ रही है, ईमेल आ रही हैं कि पर्पल वेडनेसडे और रेड ट्यूसडे उसकी सेल। सर्दी हल्की हल्की बढ़ गई अभी, दोपहर के मुकाबले बढ़ गई है ना ठंड, क्योंकि उस वक्त हम मॉल में दाखिल हुए थे। क्योंकि उस वक्त हम दाखिल हुए थे दोपहर में ना 3:30 बजे, तो उस वक्त हमें जो बकायदा से गर्मी लग रही थी। सही हो गया ना, यहीं से जुगाड़ में। यार ये कलर कितना प्यारा है यार, अब ज़रूरी नहीं है भाई, ऐसे होनी चाहिए फिटनेस की तो क्या बात है। अंडर आर्मर, अंडर आर्मर मेरा दोस्त वाली जो पहन यूरोप चला गया, अंडर आर्मर सब टी-शर्ट जैसी पहन के आया था मैं, ट्राई जो कर रहा था। हाँ बॉडी बिल्डिंग वाली ले मैंने बोला था ना, तो उन्हें वॉच की फिटिंग ज़्यादा अच्छी थी, मैंने इसकी भी इसकी पहन मैंने उसकी ज़्यादा अच्छी फिटिंग थी, इतनी अच्छी थी नीली से, मुझे चुभ रहा है या बोरी का कपड़ा से बना हुआ है, टॉमी इन फिगर थी वैसे भी। सब पूछता हूँ एडिशनल का मतलब क्या होता है, टी शर्ट का कलर देखो यार, लेकिन ये सिस्टर्स का लग रहा है, जॉइंट्स का नहीं। अरे इनाम पर कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया मेरा दोस्त। कलर देखो यार, खोपड़ा बना रहा ये बुल बुल, हाँ ब्लू कलर का लगता था ख़त्म हो गया। ऐसा खून आशाम का कलर है, ये एसिक्स है, एसिक्स हमेशा प्राइसी होगा, एसिक्स वगैरह की हैं। हाँ मेरा अच्छी होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, इसमें डिफरेंट ब्रांड होंगे ना, अगर प्राइवेट स्टोर है तो देखो हर ब्रांड है यहाँ, आओ देखते हैं ना फिर तो क्या सोचना। टिम्बर लैंड की तो क्या बात है यार, सारे उस तरफ होंगे ना, कोने में होता है कोने में बिल्कुल पिछवाड़े में, जहाँ से कब्रिस्तान का रास्ता होता है और जहाँ पे एक वो होती है क्रेडिट यूनियन वहाँ पे क्रेडिट यूनियन भी होती है, वो ये समझ गया कौन सी होती है। तो भाई साहब को अभी स्लिप ऑन जॉगर जो ना बगैर लेसेस वाले डिज़ाइन वाला लेसेस था पसंद आ गए थे, दूसरा देख रहे हैं उनकी तरह ब्लैक और वाइट है, तो डस्ट वगैरह ना लग गया, और क्योंकि लेसेस नहीं है उसके तो वो देखो मैर पूरा कलर है अच्छा है, चल जाए ग्रे ग्रे शेड है ना अच्छा, और वो मट्टी भी लगेगी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छी बात ये थी कि ना उसके अंदर लेसेस यानी आप ऐसे बस पैर डालो खींच के चढ़ा दो, और दूसरा ये था कि कलर ना वाइट हल्का एश ग्रे, थोड़ा मीडियम ग्रे, डार्क ग्रे और डार्केस्ट ग्रे नियर टू ब्लैक, बड़ा प्यारा कलर था, शेप बड़ी प्यारी थी। हाँ क्योंकि लेस वाला नहीं था तो मैं ये बोल रहा था कि वो ये इसको आता है 10 ना, लेकिन उसका 10.5 आ रहा था, क्योंकि वो नहीं है बाज में जो खुलने वगैरह जो है ना इलास्टिक सी होता ना वो ये बात कि इस तरह के जो स्लिप ऑन होते हैं ना उनमें साइड में इलास्टिक लगी होती है तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वैसे जूता सही आ रहा है लेकिन पैर नहीं जाता सही तरह ना, हाथ में क्या वो झुकना ही पड़ता, हथौड़े जैसा पैर है ना भाई का, क्या करें, ये ले लें मगरमच्छ ले लें मगरमच्छ चले बंदे की जैकेट देखो, उफ 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 देखे इसको मिल जाए भाई को, एक लेडीज सेक्शन है मर्दों का आखिरी में होता है ना कोने में बस, तो भाई ये ओकले वो डी के एनवाइट डोना करन न्यूयॉर्क, ये हुगो बॉस मोवाडो कंपनी स्टोर के साथ, यार ये नहीं समझ में आ रहा है कि
इसने सही बोला कि वो बॉस था, ये हुगो बॉस है। वही यहाँ पे कितने गए? अबे हुगो और बॉस में फटा तो नहीं हो गया? देखिए यहाँ पे कितने, पूरे दो दे दो। उफ यार गाइस देखो, कोने में चले जाते हैं एज यूजुअल, आदमी कोने में होते हैं कब्रिस्तान के साथ बिल्कुल ना। चलो गाड़ी जो कितनी प्यारी लग रही है यार, ये कलर देखो यार, ये भाई गिनस का स्टोर है। थोड़े तमाम ब्रांडों की चीज़ें जो होती हैं ना वो यहाँ मिल जाती हैं, लेकिन ज़रा बजट प्राइस वाली ना। वो रेस्टोरेंट में पूछा था मैं, मौसम महंगी है, बोला यार हमारे पास नहीं है, तो बाहर मॉल में जो होते हैं वो है। प्लस मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जहाँ सब कनेक्शन ले सकते हो सेम इंटरनेट वगैरह का ना, यहाँ पे मोबाइल हो, टीवी हो, इंटरनेट हो घर का, वो मोबाइल कंपनी ही बेसिकली लेना बुनियादी तौर पे वही देती है, उसी का होता है। वॉशरूम इधर है, तो जैसे पाकिस्तान में अखबार मालिकान जो टीवी चैनल होते हैं, यहाँ पे जो मोबाइल कंपनियाँ होती हैं उन्हीं का टीवी चैनल, उनका फोन लैंडलाइन है, इस तरह से सिस्टम है यहाँ पे। अभी जाता हूँ वॉशरूम। टाइम हो गया है 7:30 से ऊपर, और टेम्परेचर जो है ना गिर गया है तकरीबन 9 डिग्री तक, तो यानी हम अगर 3:30-4 बजे दाखिल हुए तो अभी 7:30-4 घंटे में 6 डिग्री टेम्परेचर गिर चुका है, तो ठंडक ज़रा सा भी बाहर निकलो महसूस हो रही है। मेरा दोस्त का गायब हो गया, मुझे उसको ढूंढना। तो भाई ये हम ठीक है, आ जाओ तुम उसमें भाई कलर था चाहिए, देख सकते हो उधर वो हाइकिंग वाली हो, लाइट शूज चाहिए। ये क्यों किया इन्होंने काला, ये क्या मकसद है इसका? मतलब स्टोर आ गया भाई हमारा, बस देखो यार जूता कितने का, 12:30 का टी शर्ट है मैंने की। 8 बजे अभी 8 बजे बंद हो जाएगा? नहीं नहीं बंद नहीं हुआ है। उफ यार बनमबाजियों की हद है यार, आ जाए थोड़ी देर में नंबर आ जाएगा। अभी तक थोड़े थोड़े बंदे अलाउ करना बस हो गए, बनमबाजी दिखाने के लिए बहुत स्टोर इम्पोर्टेंट है रशिया के अंदर। ओह भाई मिल जाए भाई को तो ही मजा आएगा। इनकी शूज सेक्शन में जहाँ गए देखते हैं हम वही वाला देख। मेरा दोस्त का गायब हो गया, मुझे उसको ढूंढना। तो भाई ये हम मेरे दोस्त का थोड़ा सा ट्रिप हो गया। हफ्ते के दिन खजा का मौसम है, ऑफिशियली तो नवंबर 15 के बाद से ठंड काउंट होती है, सर्दी काउंट होती है, तो ये एक्सपीरियंस दो मॉल का, फिर भी वो मॉल गए और ये आ गए हम बॉन मिल्स के जो आउटलेट मॉल है, बहुत बड़ा मॉल बॉन मिल, और वो था नॉर्थ यॉर्क। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नहीं भी पसंद आता जाते आते कमेंट कर दो, इसका भला हो जाएगा।